लिख रहे हैं हमें ट्विटर पे और लेटर्स भेज रहे हैं. जैसे अलंकृता ने एक्चुअली उस दिन एक लेटर शेयर किया था और सबने मतलब बहुत लोगों ने लिखा है कि इनफैक्ट औरतों ने तो लिखे हैं और मतलब इवन मेन हैव रिटन कि ये जो स्टोरीज है उनसे मतलब उन्हें किसी की याद आ रही है. मतलब एक किसी ने लिखा था कि जो औरतें हैं उनमें उन्हें उनकी खुद की कजन्स दिख रही है, उनकी खुद की सिस्टर्स दिख रही है, वो खुद दिख रहे हैं उनमें. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने टाइम तक हमारे लिए एक बस एक फिल्म थी और एक आर्ट, यू नो, आर्ट फॉर्म था, लेकिन जस्ट टू नो कि किसी की लाइफ से और लोग इतना उसे मतलब कनेक्ट कर रहे हैं. हाँ, सो द वे दे आर कनेक्टिंग टू द कैरेक्टर्स एंड दे रियली फीलिंग दैट दे रियली एंजॉइंग द फिल्म एंड दे लाफिंग एंड इट्स जस्ट दैट द रिस्पॉन्स दैट वी गेटिंग दीज लेटर्स. पढ़ते पढ़ते हमें आंसू आ रहे हैं कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि कितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं इससे. जब कोई फिल्म काम करती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मैसेज तो जाना चाहिए था सोसाइटी में. काम नहीं करती है तो क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग? तो कितने बदलते हैं लोग अपने वर्डिट के साथ और क्या कहना चाहिए आप उन लोगों से? कहना चाहूंगी तो कुछ तो लोग कहेंगे. इन चार कैरेक्टर्स पे भी बहुत लोगों ने बहुत चीजें कही हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी. पर कहानियां होती हैं. मतलब अगर पांच लोगों की जिंदगी में थोड़ा बदलाव आया है तो वो कहानी कहनी चाहिए. एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं कमर्शियल प्रोड्यूसर हूँ, मैं एंटरटेनिंग फिल्म्स बनाऊंगी और पैसे भी बनाऊंगी, मुझे उस बात में कोई शर्म नहीं है. बट जब मुझे कुछ अच्छा लगा वो बनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये फिल्म मजा आया. किसी वक्त मेरे खुद के टीम ने कहा कि ये फिल्म कवर नहीं करेगी और आपका पीएनए रिकवर नहीं होगा. और कितने लोगों ने मेरी कहा कि पिक्चर की ओपनिंग डेट कलेक्शन 30 लाख रुपये ज़्यादा नहीं होगी. और मैंने कहा कि तो फिर 5 और डेली सोप करके बना लेते हैं. या फिर कोई कोई एक फिल्म होती है, मैंने आपको कहा ना भाई साहब, कुछ तो लोग कहना. अच्छा एकता जी, हमने देखा कि इस फिल्म के आने से पहले अलंकृता जी को लाए भी बोला गया कि बहुत सारी बातें की गई, झूठा बोला गया. तो आप ऐसे लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे जब फिल्म आ गई है? मैं तो किसी को भी नहीं, अलंकृता के काम में इतनी अच्छी तरह से इतनी चार कहानी करते हैं. आई थिंक अगर आप इसको किसी को जवाब देने के लिए गएंगे तो वो एक फिल्म को छोटा कर देंगे. आई एक्चुअली फील बहुत ही अच्छी फिल्म, मेरे को तो बहुत मज़ा आया. मैंने जब देखा मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज क्लैपिंग. यही बैठ कर जो आप सब बैठे हो, हमने ये फिल्म देखी, हमको इतना मज़ा, हमें क्लैप किया. मैंने ये वो फिल्म है जहाँ ये इन आर कंट्री ना इनको विक्टिम बना सकते थे, इनको सर्वाइवर्स बनाया. बिकॉज हम सर्वाइव करते हैं सब. अलंकृता जी, आप कुछ कहना चाहती थी इस फिल्म को आने से पहले? आपको झूठा कहा गया, ढेरों सारे सिंस बहुत सारी प्रॉब्लम है फिल्म को, सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम है. अब ऐसे लोगों को जवाब देना चाहेंगे आप? क्योंकि फिल्म की जीत हुई है, थिएटर जाइए, पिक्चर देखिए. मुझे एक्चुअली इट्स वेरी ओवरवेलमिंग मी, क्योंकि मैंने सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंसेस को देखा था ये पिक्चर देखते हुए. I thought that, you know, like that was the most, the, would be the highlight for me, that, you know, like everywhere, all around the world, people are watching the film. But I think I'm really moved by how the Indian audience has reacted. And I really feel that the time has come. We really, as a country, we're really ready for all kinds of stories and all kinds of cinema. Because this film has become a success, people like it. किस तरीके से आप धन्यवाद या थैंक यू कहना चाहेंगे एकता मैम को भी इतने अच्छे से सपोर्ट किया? भैया क्या कर रहे हैं? आई वाज ट्राइंग टू से इसके आपने सपोर्ट किया, आपने फिल्म को मतलब आप रही है फिल्म में. मुझे अच्छा लगा, मैंने किसी को फेवर नहीं किया, मुझे मजा आया. मुझे ऐसा लगा कि आई एम आल्सो अ गर्ल फीमेल प्रोड्यूसर भाई, मेरा भी थोड़ा बट है. क्या इस हफ्ते भी थिएटर्स में, ये जो आने वाला हफ्ता है, आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर है तो क्या है मतलब आगे? आई एम वेरी श्योर ये फिल्म थिएटर में रहेगी. बट एज फार एज आई थिंक आई वुड लाइक टू से दिस बिफोर एनीथिंग एल्स कि अलंकृता वुड हैव टू, इफ दिस फिल्म हैड नॉट रीच्ड इंडियन ऑडियंसेस तो बहुत बुरा होता, बिकॉज ये हमारे देश की कहानी है. इंटरनेशनल ऑडियंस देख कर मजा ले रहे हैं हमारी लड़कियों में. क्या करता है? व्हाट काइंड ऑफ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव गॉट आफ्टर रिलीजिंग द मूवी? यू नो, कोई ऐसा जिसने मतलब अप्रिशिएट तो सभी कर रहे हैं, बट कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो
आपको बहुत अच्छा लगा हो। मेरे को एक इंसिडेंट बताना है, आई थिंक आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मेरे फादर कोई फिल्म देखने गए थे, कुछ और फिल्म लगी थी उस वक्त, तो वो थिएटर में, उनको मेरी फिल्म देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको टशन है कि मैं देखूंगा तो मुझे ना मैं नहीं देखती, मेरा कोई काम नहीं देखते वो, तो वो नहीं गए, और वो कोई और फिल्म देखने गए थे फ्राइडे। तो इसे मैं ना वहाँ जाके देखा और इतने सारे लोग निकल रहे थे, कौन थे मैं सिर्फ पप्पा नहीं, पर उनके क्या खुशी।